आपका सर। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी ये जो सनसनीखेज खुलासा हुआ है, क्या माना जाए कि अब जो है साइबर युद्ध शुरू हो चुका है या फिर इसका अलार्म जो है एक तरीके से बच गया है, और भारत कितना इसके लिए तैयार आपको दिखता है? क्योंकि अगर हम सामरिक मोर्चे पर देखें वहां तो हम अपनी तैयारी पूरी बताते हैं, लेकिन जो यहाँ पर डिजिटल प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो यहाँ पर कितनी ज्यादा आप देखते हैं कि भारत मजबूती के साथ डटा है? मैम आपका कहना सही है, साइबर युद्ध जो है वॉर में एक नया वर्टिकल इमर्ज हुआ है, जब बिना गोली चलाए हुए ही बहुत सारी चीजें आपकी ध्वस्त की जा सकती हैं, पूरी इंफॉर्मेशन बेस्ड इंडस्ट्री और कंप्यूटर वगैरह ईमेल से तो सारे बिजनेस और सारे आपके जितने भी प्रतिष्ठान है गवर्नमेंट वगैरह के सब चलते हैं। मैं ये बोलना चाहूंगा और देश की जनता को बताना चाहूंगा कि अपने देश में काफी अवेयरनेस है इस चीज को लेकर, इस तरीके के स्पैम और हैकिंग के केसेस पहले भी होते थे और गूगल वगैरह भी इन सब चीजों को लेके अलर्ट करते रहते थे। हम लोगों को भी मेल आते थे, ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में ये होती थी, लेकिन चूंकि अब ये वॉर लेवल पे जा रहा है और चाइना विलफुली इस चीज को कर रहा है, तो और एक्स्ट्रा जो है हम लोगों को क्यूरियस होना चाहिए और प्रोटेक्टिव होना चाहिए। पब्लिक के लेवल पे क्या किया जा सकता है, अवेयरनेस हो, गवर्नमेंट के लेवल पे क्या किया जा सकता है कि गवर्नमेंट इस चीज के लिए एक अलग से सेल बनाए। जितने भी आपके ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गूगल फेसबुक वगैरह, जो साइबर के फील्ड में हैं, किसी भी तरीके से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उनको स्पेशल नोटिफिकेशन या गाइडलाइन जारी किया जाए कि आपको किन किन चीजों पे अलर्ट रहना है। ये उन कंपनियों की भी जिम्मेदारी है जो इंडिया में ऑपरेट करती हैं, उनकी सर्विसेज इंडियंस लोग लेते हैं। अगर वो यहाँ पे सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर सकती हैं तो उनको इंडिया में ऑपरेट करने के लिए जो है अलाउ नहीं करना चाहिए। और मैं आपको दिखता है ये सिस्टम इतना ज्यादा मजबूत है, तो अभी आपने कहा कि अलाउ नहीं करना चाहिए, इन सभी चीजों को जांचना परखना चाहिए, इन सारे आप पैरामीटर्स को देखते हैं कि वो पूरा किया जाता है जब भी किसी कंपनी के साथ में या कारोबारी के साथ में कोई डील आपस में होती है? देखिए मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से एक कोई फॉरेन की कंपनी अगर आती है इंडिया में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके तहत उसका रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक इसी तरीके से प्रोविजन ऑफ कोर्ट्स होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, अगर नहीं है तो बनाना चाहिए। कहीं की भी कोई भी वेबसाइट हो किसी भी कंट्री की, अगर वो इंडियन मार्केट को, इंडियन पॉपुलेशन को एक्सेस लेना या देना चाहती है तो पहले उसको गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए और गाइडलाइंस के लिए उससे हमें एग्री करवाना चाहिए कि हमारी ये गाइडलाइंस हैं। मैं समझता हूँ कि कोई इतना ज़्यादा पैनिक होने की भी ज़रूरत नहीं है, उसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये है कि अगर हम वॉर टाइम पे देखें और जो हमारे सेंसिटिव गवर्नमेंट के प्रतिष्ठान हैं, रिसर्च सेंटर हो गए, डिफेंस से रिलेटेड जो हो गए, वो ऑलरेडी इन सब चीज़ों में प्रिकॉशंस लेके चलते हैं। उनके सारे कम्युनिकेशन वगैरह के लिए एक रिजर्व प्लेटफॉर्म होता है जिसमें सेफ्टी के बहुत ज़्यादा नॉर्म होते हैं। वो लोग अपना गूगल वगैरह इन सब चीज़ों से जो है, कोई बहुत सेंसिटिव डाटा गवर्नमेंट में इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट तक देना है तो वो जीमेल से या फेसबुक के मैसेंजर बॉक्स में नहीं देते हैं। तो दो लेयर हो गए, एक पब्लिक डोमेन हो गया और दूसरा हो गया सेंसिटिव डोमेन, जिसमें कि गवर्नमेंट, मिलिट्री, डिफेंस, ये सारी चीज़ें आती है। वो लोग ऑलरेडी इस चीज के लिए अलर्ट है। जो कुछ हमें जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, चाइना जो भी विदेशी दूसरे देशों की, दुनिया भर के दूसरे देशों की जानकारी जुटा रहा है, उसने इसे नाम दिया है हाइब्रिड वॉरफेयर। साथ ही इसमें इसे इंफॉर्मेशन पोल्यूशन, परसेप्शन मैनेजमेंट और प्रोपेगेंडा यहाँ पर इसमें शामिल किया गया है, तो इसे कैसे समझा जाए, आखिर क्या है ये हाइब्रिड वॉरफेयर? नहीं देखिए, ये कोई वार के लिए ये कोई जो है नया टेक्निक नहीं है। मैं आपको बताऊं, बहुत पहले 70-60 के दशक में भी जब वार होती थी तो परसेप्शन मैनेजमेंट या हाइब्रिड तरीकों का यूज किया जाता था, बशर्ते उस वक्त मीडियम कुछ और होता था। जैसे हेलीकॉप्टर से पंपलेट जो है गिराए जाते थे पब्लिक के बीच में, या कुछ अखबारों के थ्रू इस तरीके से जो है मैसेज दिया जाता था कि ताकि वहाँ के मास लेवल पर इंफॉर्मेशन को पहुँचाना। हाँ मीडियम देखिए, मास लेवल पे इंफॉर्मेशन पहुँचा के परसेप्शन को चेंज करना। अब थोड़ा ये फास्ट हो गया है, इसकी पेनेट्रेशन लगभग हर हाथ तक हो गई है, जहाँ जहाँ मोबाइल है, आसान हो गया है ये दुश्मन के लिए। नेचर वाइज तो ये डेफिनेटली हर काल में, हर पीरियड में, हजारों साल पहले भी ये अवेलेबल था, और इसमें कोई बहुत ऐसा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अपने देश में लोग काफी सक्षम है और फेक न्यूज से किसी एक भारतीय का परसेप्शन बदलने वाला नहीं है, ये मान के चलिए आप।
क्या मौजूदा परिस्थितियों में आपको लगता है कि ये परसेप्शन नहीं बदल रहा है, या जिन मुद्दों को लेकर बात होनी चाहिए उनको ना लेकर किसी और ही मुद्दों को लेकर बात हो रही है? जैसे कि यहाँ पर जानकारी आई है कि सिर्फ यहाँ पर पॉलिटिकल हस्तियां ही निशाने पर नहीं है, खिलाड़ी भी हैं, नेता अभिनेता, यहाँ सभी लोग जो हैं इस लिस्ट में शामिल है जिनकी जासूसी करवाई गई है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, किस तरह से परसेप्शन को बदलने में ये सब जानकारियां यूज की जा देखिए, रही है, तो वॉर कितनी खतरनाक हो सकती वॉर नहीं, खतरनाक तो ये बहुत होती है। एक सिंपल, अगर कोई बहुत सेंसिटिव अधिकारी है, पॉलिटिशियन है, और अगर वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक सिंपल 2 GB 4 GB के जो है पेन ड्राइव में या उसमें रखता है, अपने मोबाइल में रखता है, तो बिना कोई पैसा खर्च किए हुए अगर कोई हैक करता है तो पूरी इंफॉर्मेशन चली जाती है। मैंने आपको बताया मैनुअल प्रिकॉशन और टेक्निकल प्रिकॉशन। और दूसरी चीज रही बात, ये हमेशा से टारगेट पे वही रहते थे, मतलब हाई वैल्यू टारगेट ही रहते थे। एक कॉमन आदमी जो ठेले पे अगर फल बेच रहा है तो उसका मोबाइल हैक करके चाइना को या किसी को भी क्या मिलेगा? तो ये ऐसा मैंने बोला, ये कोई नई चीज नहीं है, मोडस ऑपरेंडी वही है, केवल तरीका या टेक्नोलॉजी बदली हुई है, और इस पे हम अलर्ट हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने अभी ये अलर्ट जारी किया, मीडिया में भी ये सारी चीजें आ गई कि भाई चाइना ऐसे ऐसे कर रहा है, आप लोग अलर्ट हो जाइए। और जो हाई वैल्यू टारगेट होते हैं, जिनको दुश्मन देश टारगेट करता है, तो वो जब किसी प्रोजेक्ट पे लगते हैं या जॉब जब शुरू करते हैं, तो ये प्रिकॉशन उनको शुरू में ही बताए जाते हैं और वो लोग डे टू डे अपने लाइफ में फॉलो करते हैं इन प्रिकॉशंस को। फिर भी हजारों लाखों करोड़ की पॉपुलेशन में एक दो इंसिडेंट होना जरूरी है। उसके लिए जो मैंने दो तीन तरीके अभी बताए हैं, हमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशन जो है हर आदमी को लेना चाहिए। एक क्वेश्चन आपका बहुत ये था जो परसेप्शन बदलने से रिलेटेड अभी आपने पूछा, मैं आपको बताना चाहूंगा। जो एक भारतीय है, भारत में पैदा हुआ है, जिसके पुरखे यहाँ रहे हैं, ऐसे एक दो परसेप्शन बदलने के इफर्ट्स नहीं, हजारों परसेप्शन बदल। आज कौन सा ऐसा भारतीय है जो चाइना के फेवर में नारे लगाएगा, एक दो गद्दारों को छोड़ के? तो भारतीयों का परसेप्शन अपने राष्ट्र के लिए, अपने कल्चर के लिए बदलना इतना आसान नहीं है। हजारों साल से कितने बार अटैक करके इस परसेप्शन को बदलने की कोशिश की गई है, लेकिन हमारी मान्यताएं, हमारे परसेप्शन, हमारे जो कस्टम्स हैं, वो आज तक कोई बदल नहीं पाया। हजारों हजारों साल से वो उसी तरीके से चली आ रही है। तो इस वॉर फेवर को लेकर के अलर्ट रहने की जरूरत है, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया है कि मिस्टर थैंक यू तमाम बातचीत में जुड़ने के लिए। और बीजेपी के प्रवक्ता